सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542404509 पर। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। बालाजी हॉस्पिटल की जांच करने पहुंची एसडीएम अंकिता जैन, 3 मरीजों की जगह 12 मरीजों के नाम पर लिया जा रहा था ऑक्सीजन, अस्पताल की हुई जांच। ऑक्सीजन की हेराफेरी करने वाले अस्पताल बालाजी की जांच शुरू हो गई है। शुक्रवार को एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर हर बिंदु पर बारीकी से जांच की, साथ ही अस्पताल की नपाई तक कर दी गई। अब कलेक्टर और जांच प्रतिवेदन सौंपा जाएगा, जिसके बाद आगे कार्यवाही की जाएगी। कड़ाई से पालन कराएं कोरोना जनता कर्फ्यू, कलेक्टर ने कोविड समीक्षा बैठक में एसडीएम को दिए निर्देश। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि सभी एसडीएम शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराएं। कोरोना जिला अपडेट, आज कोरोना की 80 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 70 मरीज हुए स्वस्थ, 7 की हुई मौत। शादियों का सीजन लगातार जारी है, कोरोना संक्रमण के बीच कम लोगों की संख्या में ही शादियां हो रही हैं। इसी बीच आज 30 तारीख की लगन होने के कारण बाजारों में सड़कों पर भीड़ दिखी, कई लोग आते जाते नजर दिखाई दिए। मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। बताया जा रहा है वो कोरोना संक्रमित थे और उन्हें हार्ट अटैक आया था। आज तक में वह टीवी एंकर के रूप में कार्य करते थे। मीडिया जगत में शोक की लहर। गुना में पदस्थ रहे विशेष न्यायाधीश गुना कुमार साहब, शिवनिर्मित प्रधान न्यायाधीश न्यायालय सिंगरौली और पूर्व जिला और सत्य न्यायाधीश शिवपुरी और सिंगरौली का कोरोना संक्रमण से। एनएफएल में सीआईएफ के दीवान की रास्ते में चलते में हुई मौत, प्रथम दृष्टता मौत हार्ट अटैक से आने को लगती है, पोस्टमार्टम के बाद होगी स्थिति साफ। साक्षी मेडिकल कॉलेज को जिला प्रशासन अधिग्रहण करे, गुना जिले में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयों की व्यवस्था करे। AIDYO ने ऑनलाइन मांग दिवस के द्वारा मांग उठाई, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऑनलाइन मांग दिवस मनाया गया। इंडिया फाउंडेशन द्वारा गुना में स्थापित माधव कोविड सेंटर पर मेडिकल सामग्री की गई वितरित। इंडिया फाउंडेशन द्वारा गुना में स्थापित माधव कोविड सेंटर पर राज्यसभा सांसद सिंधिया एवं मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोविड-19 भर्ती प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत एक प्लस ऑक्सीमीटर, एक स्पाइरोमीटर, एक थर्मामीटर एवं एक थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराए गए, जिससे वे स्वयं अपना ऑक्सीजन लेवल, फीवर इत्यादि की जाँच कर सकेंगे। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत। आरोन के समीप बनवीर खेड़ी ढाबे के पास आरोन से गुना की ओर जा रहे नंदराम अहिरवार उम्र 58 वर्ष को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया। बता दें कि नंदराम अहिरवार गुना श्रीराम कॉलोनी के निवासी थे। वे कृषि उपज मंडी गुना में पदस्थ थे और वे खेत के कार्य से आरोन के समीप अपने गाँव दौरला आए हुए थे, तो वापस अपने घर जाते समय हुआ यह हादसा। डायल 100 की मदद से आरोन हॉस्पिटल लाया गया, इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। चेतन भार्गव के जन्म दिवस पर पशुओं के लिए युवाओं ने रखी 60 टंकियां। आरोन में भीषण गर्मी में पशुओं को पीने के पानी के लिए यहां वहां ना भटकना पड़े, इसके लिए नगर की युवाओं ने शुक्रवार को सराहनीय पहल की। युवाओं ने शहर के 10 जगहों पर गाय, बैल व अन्य मुक पशुओं के लिए पानी की टंकियां रखवाई।
10 मिनट के नियमित योग अभ्यास से रहें स्वस्थ एवं निरोगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना पॉजिटिव क्वारंटाइन व्यक्तियों के लिए योग अभ्यास के माध्यम से योग से निरोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 10 मिनट के योग अभ्यास से व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ एवं निरोग रह सकता है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। नगरपालिका गुना द्वारा कोरोना के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में होर्डिंग लगाए गए हैं, जो बिना वजह सड़क पर निकलने वाले व्यक्तियों को सचेत कर रहे हैं। नसिया कोविड केयर सेंटर पर 24 घंटे रहेगी चिकित्सकों की ड्यूटी। नसिया जैन धर्मशाला गुना में 50 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसे प्रभारी अधिकारी DS राणा मोबाइल नंबर 9981 56 37 48 रहेंगे। गुना के विभिन्न अस्पतालों में अतिरिक्त ऑक्सीजन के पॉइंट लगेंगे। संभागीय परियोजना यंत्री PIU अनिल मिश्रा द्वारा दी गई जानकारी अनुसार गुना जिले में विभिन्न अस्पतालों के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन पॉइंट लगाए जाने के टारगेट दिए गए हैं। बरखेड़ा में दूल्हे को पहनाया गया मास्क। बरखेड़ा में एक शादी थी जिसमें दूल्हा बिना मास्क के देखा गया। जब CO जनपद पंचायत प्रदीप पाल को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल जाकर स्वागत के तौर पर दूल्हे को मास्क भेंट किया और जनता कर्फ्यू के नियमों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूल्हे ने साथ पहरे लिए। तहसील कार्यालय में कराया गया सैनिटाइजेशन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार कोरोना महामारी से बचाव के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर गुना के नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना फैलने से रोका जा सके। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने पर दुल्हन साड़ी एम्पोरियम के विरुद्ध FIR दर्ज। SDM राधुगढ़ अक्षय कुमार ताम्रवाल की निर्देश पर हुई कार्यवाही। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। इस दौरान कोरोना कर्फ्यू को उल्लंघन पाए जाने की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में SDM राधुगढ़ अक्षय कुमार ताम्रवाल के निर्देश पर रुठियाई में फर्म दुल्हन साड़ी एम्पोरियम के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडरों को दी एक मुश्त सहायता। 6,10,000 हितग्राहियों को 61 करोड़ की राशि की गई वितरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 6,60,000 हितग्राहियों को 61 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रदान की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जन को संबोधित करते हुए कोरोना की चैन तोड़ने, घरों में रहने, सर्दी खांसी बुखार होने पर कंट्रोल रूम को बताने सहित विस्तार से संबोधित किया। जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन व्यवस्था चुस्त रहे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला चिकित्सालय में केंद्रीकृत ऑक्सीजन व्यवस्था की देखरेख एवं संचालन ठीक करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में शिकायत मिली है कि ऑक्सीजन प्रभारी डॉक्टर द्वारा ठीक से देखरेख व संचालन न किए जाने से जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन काफी मात्रा में ऑक्सीजन वेस्टेज हो रही है। इस संबंध में प्रभारी डॉक्टर कुशवाहा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रस्तावित की जा सकती है। डिप्टी कलेक्टर को कोविड एवं कंट्रोल सेंटर की सौंपी गई कमान। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सोनम जैन को जिला कोविड एवं कंट्रोल सेंटर के सतत पर्यवेक्षक के लिए प्रभावी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन मरीजों की खैरियत पूछे। सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोविड केयर प्रभारी से संपर्क करें। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए नशिया जी भवन बीजी रोड गुना को कोविड केयर सेंटर बनाया है। उक्त सेंटर में प्रभारी अधिकारी श्री एस के उपाध्याय उप संचालक कृषि रहेंगे। जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन हेतु इस सेंटर की सुविधा लेना चाहते हैं, वे प्रभारी अधिकारी एस के उपाध्याय मोबाइल नंबर 9926502569 से संपर्क करें। जनता कर्फ्यू का पालन कराने के लिए अधिकारी अधिकृत। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के आधार पर 7 मई 2021 को रात्रि 12 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। समस्त ग्राम पंचायतों की सीमाओं में जनता कर्फ्यू का पालन कराने के लिए अनुभागीय अधिकारी तहसीलदार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को अधिकृत किया गया है।
नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कराया गया सैनिटाइजेशन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार कोरोना महामारी से बचाव हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर गुना की नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किया जा रहा है। अभी तक 133,090 कोरोना मरीजों को मिली मेडिकल किट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को मेडिकल किटों का वितरण अनवरत जारी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक 52 जिलों में 133,090 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी है। रजिस्ट्री की गाइडलाइन 30 जून तक यथावत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की संपत्ति की खरीदी बिक्री के लिए प्रति वर्ष 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी की जाती है, परंतु कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गांव के दरवाजे करें बंद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के ग्रामवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आप लोग कोरोना को अपने गांव की सरहद में प्रवेश नहीं करने दें। गेहूं उपार्जन में कोई बाधा नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामवासियों से कहा कि आप लोग निश्चित रहें, आपकी उपज एक एक दाना खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने गेहूं उपार्जन में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये हौसले का परिणाम है कि अभी तक 61,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन कर लिया गया है। इसी के साथ चने एवं मसूर का उपार्जन भी किया जाएगा। कोरोना साध्य है असाध्य नहीं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना साध्य है असाध्य नहीं, इसका इलाज हो सकता है और हो रहा है, इससे घबराएं नहीं, सतर्कता आवश्यक रखें। उन्होंने कहा कि सामान्य सर्दी जुकाम बुखार आने पर लापरवाही न करें, तुरंत जांच करवाएं। किल कोरोना अभियान 2 के तहत हमारी टीम घर घर पहुँच रही है। पॉजिटिव आने पर होम आइसोलेशन में रहें, घर पर संभव हो तो पृथक कमरे में आराम कर उपचार करें। यदि घर में संभव न हो तो गाँव के पंचायत भवन, धर्मशाला आदि में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर आइसोलेट हो जाएं। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्रामवासियों और किसानों से अपील की है कि विवाह हमारी परंपरा है और संस्कार का महत्वपूर्ण भाग है, परंतु वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण विवाह समारोह को 15 मई तक स्थगित रखें, क्योंकि ऐसे समारोह में कोरोना पूरे परिवार को सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकता है। यदि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है तो अधिक से अधिक 10 लोग ही शादी में शामिल हों। और अब देखिए खबरें विस्तार से। बालाजी हॉस्पिटल की जांच करने पहुंची एसडीएम अंकिता जैन। 3 मरीजों की जगह 12 मरीजों के नाम पर लिया जा रहा था ऑक्सीजन, अस्पताल की हुई जांच। ऑक्सीजन की हेराफेरी करने वाले अस्पताल बालाजी की जांच शुरू हो गई है। शुक्रवार को एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर हर बिंदु पर बारीकी से जांच की, साथ ही अस्पताल की नपाई तक कर दी गई। अब कलेक्टर और जांच प्रतिवेदन सौंपा जाएगा, जिसके बाद आगे कार्यवाही की जाएगी। बुधवार को सोशल मीडिया पर बालाजी अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को कथित तौर पर अपनी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर ने रात में ही एसडीएम को मौके पर भेजा। प्रारंभिक तौर पर ये सामने आया कि अस्पताल द्वारा प्रशासन को गुमराह कर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ली जा रही है। इसके बाद कलेक्टर ने एसडीएम व सीएमएचओ को जाँच कर प्रतिवेदन सौंपने को कहा था। एसडीएम ने बिंदुवार जांच कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम अंकिता जैन हॉस्पिटल पहुंची। यहां उन्होंने हर बिंदु पर बारीकी से जांच की। अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ से भी पूरी जानकारी ली गई। सभी दस्तावेजों को बारीकी से जांच की गई। कि आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन पहले भी इनके द्वारा निशंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। आज इसी के संबंध में जब हमारी टीम यहां पर जांच करने के लिए आई, जब भी उसके साथ अभद्रता की गई, इसलिए हम लोग आए हैं। अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन इनके कुछ डॉक्यूमेंट भी लिए हैं। जैसा कि प्रारंभिक रूप से देखने में समझ में आया कि कई लाइसेंस भी उनके पास नहीं है, कई रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, तो इन सब डॉक्यूमेंट ले लिए हैं और आगे उसके जाते नाप जोक भी की गई है बिल्डिंग की, वो कमीशन भी देखी गई है। अभी जैसे नगर पालिका के अकॉर्डिंग आवासीय का है, तो वो हम इसका जाँच करेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके।
कड़ाई से पालन कराएं कोरोना जनता कर्फ्यू, कलेक्टर ने कोविड समीक्षा बैठक में एसडीएम को दिए निर्देश। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि सभी एसडीएम शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराएं। बुखार खांसी के मरीजों को नियमित दवाओं का वितरण हो, कंटेनमेंट एरिया सख्ती से लागू करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में बिना काम के आवाजाही अधिक हो रही है, इसे सख्ती से रोका जाए। संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है, इसके लिए ये भी जरूरी है कि लोग बिना काम के इधर उधर न घूमें। उन्होंने कहा कि जहां 5 से अधिक व्यक्ति संक्रमित हों, उस पूरे इलाके को बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉक किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में 3 महीने का मुफ्त राशन 10 मई तक वितरित हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि राशन वितरण के समय किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पंचायत सचिव और पटवारियों को निगरानी पर लगाया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के पास होम क्वारंटाइन के लिए एकांत जगह नहीं है, उन्हें कोविड केयर सेंटरों में लाया जाए। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बुरी बला है। नो बालक, वीवो आईपीएल में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा? किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो आईपीएल ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542404509 पर।